क्योंकि 8,000 तो मैं नहीं दे सकती, मेरी शादी नहीं है। इससे ज्यादा स्क्रैच से मैंने कोई आउटफिट नहीं बनाया। मेरी शादी हो जानी है ना तो तुम तो बोर हो जाओगी। Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another outfit from scratch video. आज का वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। मैं बहुत खुश हुई आउटफिट बनाने के लिए, जाने के लिए, बिकॉज 99% लोगों ने जब से ये शादी की वीडियोज और फोटोज देखी है, they've just been in love with the whole thing, and that is the Sidkiara wedding, of course, that's the talk of the town. I think after so long I've seen a wedding, a celebrity wedding, and genuinely felt इतना खुश था उन लोगों के लिए। तो बहुत genuinely उन लोग खुश दिख रहे हैं, तो हमको भी वो खुशी ट्रांसलेट हो रही है। एंड दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो मिनिमलिस्टिकली एस्थेटिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आउटफिट, बिकॉज़ वही बनाने आज हम जा रहे हैं। आज हम कियारा आडवाणी का शादी का जोड़ा वेडिंग आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे, बट वी विल ट्राई टू मेक इट अ लिटिल मोर वेडिंग गेस्ट देन अ ब्राइड, बिकॉज मेरी शादी तो हो नहीं रही है, मैं अपने शादी के लिए नहीं बना रही हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग इट बिकॉज आई लव्ड इट, एंड एवरीवन हैज बीन रिक्रिएटिंग द मेकअप ट्यूटोरियल, बट आई थिंक द मेकअप was so simple, subtle, and the whole attraction was of course her jewelry. उसकी ज्वेलरी पे बहुत फोकस था और आउटफिट भी वैसी उसके हिसाब से उन्होंने टोन डाउन किया था। तो वो आउटफिट अगर आप एकदम सिंपल ज्वेलरी के साथ पहनोगे ना तो यू कैन पास एज अ वेडिंग गेस्ट। इट्स नॉट वेरी ब्राइडल, यू नो, इट्स नॉट अ लाल जोड़ा। और नाइस प्रिटी पेस्टल लहंगा, डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय दैट, ऑफ कोर्स इट्स अ मनीष मल्होत्रा क्रिएशन जो उसने पहना है, तो वो लेवल का कपड़ा तो शायद ही हमको मिलेगा, बट हम कोशिश करेंगे। आज हम जा रहे हैं मंगलदास मार्केट, पूरा मंगलदास मैं छान दूंगी ताकि मुझे कुछ ऐसा मिले दैट कैन डू जस्टिस टू दैट वर्क दैट शी वाज वेयरिंग। और उसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर था, दैट आई थिंक वाज सो प्रिटी इन द फोटोज, द स्कैलप्स वाला दुपट्टा, तो वो बहुत डिटेलिंग नेट दुपट्टा और उसपे स्कैलप्स की लेस है, तो हमको अच्छी लेस भी लगेगी। एंड ऑफकोर्स वी आर गोना ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑन अ बजट। अभी मैं मुंबई में रहती हूँ तो यहाँ एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, बट फिर भी मैं मंगलदास जा रही हूँ बिकॉज वहां सबसे सस्ता और अच्छा फैब्रिक मिलता है। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट मंगलदास इज ऑल्सो नॉट चीप, ऑनेस्टली मेरे को उससे सस्ता मार्केट तो नहीं मालूम है मुंबई में। शोरूम्स वगैरह में तो लाइक ग्लांस एंड ऑल इफ आई गो, वो सेम फैब्रिक मुझे 1200-1300 का मिलता है, जो मंगलदास में 800-700 रुपए में मिलता है। एंड बेस्ट थिंग अबाउट मंगलदास इज इट्स बिग, इट्स मैसिव, सो यू गेट सो मच वैरायटी एंड गुड क्वालिटी। आई एम नॉट प्रमोटेड बाय मंगलदास मार्केट टू प्रमोट दिस, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट उधर इतना अच्छा वैरायटी और क्वालिटी मिलता है। इफ यू रियली नो कि आपको क्या बनाना है ना, देन यू कैन गो विद अ फिक्स्ड माइंड एंड लुक फॉर दैट फैब्रिक। इफ इट टर्न्स आउट गुड देन आई डू हैव अ वेरी वेरी एक्साइटिंग वेडिंग टू अटेंड इन अप्रैल, तो फिर उसमें मैं पहन सकती हूँ। आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपको लिपस्टिक डिटेल्स चाहिए होगी, सो आई एम वेयरिंग टू फेस की लार्ज एंड इन चार्ज वाली लिप इंजेक्शन। और आज मैंने एकदम अच्छा ये लूम का कॉटन वाला सूट पहना, बहुत गर्मी है बाहर, सो इसलिए ब्रीदेबल क्लोथ्स, ब्रीदेबल फैब्रिक्स अभी के लिए, क्योंकि शादी के जोड़े तो भारी हो गए। आज पहली बार मैं एसी ट्रेन में बैठूंगी, अच्छा लग रहा है, इतनी गर्मी है बाहर। भाई इतनी गर्मी में एसी ट्रेन में बैठ के तो मजा ही आ गया ना, लगा ही नहीं ना। काम भी कभी हम लोग टाउन तक नहीं आए। क्या बोलने, सनस्क्रीन लगा क्या है? There's a constant debate between sun makes me look good and sun damages my skin. प्रीमेच्योर एजिंग भी वाला चश्मे के एरिया को छोड़ दिया। करंटली वी आर इन गार्डन लेन, आई थिंक वी आर इन क्रॉफोर्ड। हम लोग कोई डिंजी एंट्रेंस से ये बार एंटर कर रहे हैं, लास्ट टाइम हम लोग एकदम अच्छी एंट्रेंस से नहीं। एवरी टाइम न्यू एक्सपीरियंस, सेम मार्केट न्यू एक्सपीरियंस। दूर दूर तक कपड़ा नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, आ गए। ओके थैंक यू भैया, दिस इज लाइक सम बैकडोर एंट्री फॉर द शॉप्स। या आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है ना। आप डायबल दिखाओ, ये कलर नहीं चल रहा क्योंकि ये कलर ही मेन है, ये डायबल नहीं है, डायबल वो दिखाओ सफेद वाला। और कितने का पन्ना है ये? ये 40 का पन्ना। और इसमें क्या नहीं, स्कर्ट का नहीं आएगा? चलो स्कर्ट का है।
This has a sequence. It has a gold sequence. Even though uska silver base tha, but I like this. Jo niche ka hai na, already kaam kar rakha hai. So lace ka itna kaam. थोड़ा बड़ा टिकली में दिखा मैं, ये तो बहुत छोटा है. मिरर वर्क फॉइल वो भी दिखा. ये वाला स्टेज भी है जॉर्जेट बेस में प्योर जॉर्जेट है, सब डायबल है. दिस विल गिव अ गुड फ्लो बिकॉज़ इट्स जॉर्जेट. द चिकन करी वन विल बी मोर हेवी बट वो वाला बेटर दिख रहा है. थोड़ा भाई वो मोर रिच लुकिंग है. मिरर एड्स दैट रिच. बट दिस इज यू नो व्हाट जॉर्जेट इज गिविंग. मेरे ईद का जो कपड़ा था ना, ये कितना रुपया मीटर? वो भी थाउजेंड. ये क्यों है 50 है? मिरर वर्क नहीं है, वैसा नहीं है. ये सपना वाला, ये नीचे काम. So many ideas you can get when you look at your fabric itself. I feel like making something with this, something with this, something with this. Very confused. Concentrate on one. I feel सबसे बेस्ट में बोल है. हम लोग जितना हो सके वो इमेज से क्लोज बने, बट अगर हम वो लिए तो इसमें ब्लाउज के लिए फिर कौन सा लेंगे? मैं फुल मिरर वर्क नहीं तो मत हो गया, बहुत हो जाएगा. ब्लाउज के लिए कुछ तो कॉन्ट्रास्ट लगेगा. यही ले लेने का पूरा, उसमें से आपको बॉर्डर जितना अच्छी होता कटिंग करके वैसे पैटर्न करना. दिस इज एक्चुअली नॉट मिरर एट ऑल फॉर लहंगा. दैट्स माय कंसर्न. इन लोग ने ये जरी पे मैचिंग किया. एक अच्छी ढंग की फोटो नहीं डाल सकते थे इन लोग. क्या जूम करके की वीडियो से हम उन्होंने स्क्रीनशॉट्स ली. आई थिंक दिस वर्क इज मैचिंग मोर लाइक द बारीक जरी. ये कितना रुपया आप बोले? ये इसको साइड रखो. दिस आई एम नॉट लाइकिंग द ओवरऑल लुक. Because it's a mix, it's silver then it's rose gold. आपके साथ ब्लाउज के लिए क्या लेंगे मैचिंग? भी हम इधर आए बिकॉज वी वॉन्ट टू सर्च सिल्वर बेस इन सीक्वेंस जस्ट टू लुक एट वराइटी. बिकॉज जो फैब्रिक हमको मिल रहे हैं ना, सब गोल्ड में मिल रहे हैं और उसका पूरा लहंगा सिल्वर है. हमको ऐसा लहंगा बनाना है तो ये मुझे सिल्वर बेस में डायबल कपड़ा चाहिए. व्हाइट में वही बोल रहे हो डायबल. बट ऐसे फूल नहीं चाहिए बड़े बड़े. इतना सुंदर कपड़ा है ब्लाउज के लिए. बट जब तक नीचे का नहीं मिलेगा अपन ऊपर का नहीं ले सकते. 1450 बहुत है. हमारे पास सब इम्पोर्टेड ही मिलेगा. स्टार्टिंग 650 से है. गोल्ड पे भी आया है तो जस्ट शो. दिस इज द ओनली वन यू आर. इसके नीचे है क्या वर्क? देखो हाउ मच इज दिस वन. This is 850. क्या बेस है? जॉर्जेट. एंड व्हाट एल्स? दोज हाँ. इट्स नॉट झटाक गोल्ड, इट्स वेरी सटल. डाई आप लोग के साइड से होगा क्या? यू विल बी एबल टू डाई एंड बी फास्टेड टू मी बिकॉज डाई हैज टू बी परफेक्ट. इसमें दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. कट पेस्ट कर दे तो एक काम कर. इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा लगेगा. इसका ब्लाउज बहुत अच्छा. दिस वर्क इज बेटर देन दिस. आई फील या तो ये यही है सेम चीज. ये अलग है. तू कौन सा रिजेक्ट कर रही है इसमें? ये निकालू. इसको फॉइल एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं. फॉइल वो दिखाना ना फर्स्ट नेट. ब्रो दिस इज वेरी प्रिटी ना. है ना ब्लाउज के लिए ये बेटर लगेगा. सेम मतलब आई एम नॉट टेकिंग डायमंड्स एंड डूइंग हैंड एम्ब्रॉयडरी सो इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम. डिजाइन वाइज थिंग इज वी नीड समथिंग स्मॉल. तो या तो फिर इसका ही एक्स्ट्रा लेके ब्लाउज भी इसी से और स्कर्ट भी इसी से बनाना पड़ेगा. ये और ये तो नहीं जा रहा है क्योंकि ये चिकनकारी है और ये है बिल्कुल भी नहीं जा रहा. ये एक्चुअली थोड़ा इंग्लिश टाइप सा कैथलिक वेडिंग.
यस वी हैव कैथलिक वेडिंग शर्ट एंड लेटर. इसके साथ के लिए कोई मैचिंग कपड़ा है जो ऊपर जा सकता है ब्लाउज के हिसाब से? चल हम लोग पुल दिस आउट, लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट दिस. बड़ी टिकली है बट अरे नहीं ये ब्रोकेड है ऊपर से. डोला सिल्क वेरी प्रिटी बट इट्स नॉट वॉट वी आर लुकिंग फॉर. सो प्रिटी दिस को नहीं आई थिंक दिस. कितना मीटर लगेगा स्कर्ट और ब्लाउज भी इसी में बनाना होगा तो मेरे हाइट का ओवरऑल 6.5-7. मेरे टेलर को कॉल करके 10 बोलेगा आराम से. क्या करता है वो? ये 215-191 बहुत पिंक है. ये तो ये 181L बस वॉश्ड आउट दिखेगा क्या ये? लेकिन जितना होता है उससे डार्क आता है कि उससे लाइट आता है होने के बाद? डार्क ही आएगा, थोड़ा डार्क आएगा ना. इसको मैच करने के लिए अभी हम लोग ये डाई कलर चूज कर रहे हैं. 190L मार्क 1.5 मीटर ब्लाउज का पूरा जितना घेरा चाहिए उतना निकालो. मेरे को ज्यादा घेरा चाहिए तो ब्राइड जैसे 6 नीचे 2.5 1.5 अभी हम दुपट्टे का हंट कर रहे हैं. आई जस्ट रियलाइज कि इसने दो दुपट्टे पहने. ये आउटफिट अलग है, ये तो कभी और पहना. हम उसकी शादी का आउटफिट बना रहे हैं. दो दुपट्टे पहनी है, एक ऐसा सामने से और एक दूसरा वो स्कैलप्स वाला. ये वाला ना नेट लगेगा 2.5 दुपट्टे के लिए लगता है. ये जो पीछे वाला उसके लिए ज्यादा बिकॉज उसने तो पूरा ट्रेल जैसा. मेरा कौन पकड़ेगा? The amount of wedding outfits I have and no weddings to attend is insane. My mother tells me इतने कपड़े तो चल ना शादी में मेरे साथ. वो तो अलग गाना है, ये अलग गाना है. ये अगर वर्क वाला ही नेट मिल गया तो बात हो गई ना. फिर उसके बाद लेस खाली इस वाले के लिए लगेगा. We decided and taking the chickenkari sequencing for the skirt and the top and a net lace for the dupatta. अभी दुपट्टे पे लेस लेना पड़ेगा या एम्ब्रॉयडरी करना पड़ेगा वो अजहर से बात करनी पड़ेगी जाके. That is my tailor for all the people who don't know. CP Chawal Market of lace. Okay, thank you. अभी ये पूरा रास्ता एकदम खराब है. कपड़ा तो हो गया बट लेस खरीदनी है तो हम यहीं के मार्केट में ट्राई कर रहे हैं बिकॉज अंधेरी साइड पे लेस बहुत महंगी मिली थी एक बार एक वीडियो में. भी हम नया मार्केट ट्राई करेंगे, इस साइड का रेट देखेंगे. ब्रो मेरी चप्पल तो टूट जाएगी, ये क्या है? कार्डियो ऑन रॉक्स. दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ आई नीड इन माई लाइफ. क्या धनुष क्या बोली? गणेश. अच्छा बोली धनुष कौन है? These all jewelry market also very good. हाँ by the bulk मिलता है यहाँ पर, like डब्बे डब्बे के हिसाब से. Not TBZ. TBZ is तो real, but like imitation jewelry. भाई ये तो पूरी street में सिर्फ लेस ही है. CP Chawal. Oh, this is a spelling. You know what I was thinking अभी तक? CP Chawal. Chippy Chawal. मैं भी CP सोच रही हूँ. देख. नहीं CP है देखो. अच्छा CP है वही. CP Chawal. बट अपने को 9 मीटर नहीं चाहिए फॉर द छोटा दुपट्टा. दो दुपट्टे हैं सेकंड सारे साथ में चल जाएगा. हां इसमें स्टाइल इफेक्ट है जो तो सी हाईलाइट अच्छी है इसमें. देखो इस कॉलम 1250 वाला दिखा बट अस्तीन में स्कैलप्स नहीं चाहिए फॉर द स्मॉल. आई थिंक लाइक द डिटेल्स लाइक द स्लीव and the border of the second dupatta, the neckline, all those places, this will look good. Aisa rose gold mein sequence mein patla, kyunki waise bhi ye scallop ka feel to itna dikhega nahi jo usse. Nahi aisa sequence mein. To ye kapda. Ab dyeing karega na? Haan. Dyeing mein to bada rich effect aata hai. नहीं बट क्या कपड़े का ये जो है वो गोल्ड है ना? हाँ पानी गोल्ड में जाए. हाँ पानी गोल्ड में. ओके इस कॉलम हाँ ओपन
इन दीज टू? ये कितना रुपया बोल रहे हैं मीटर? बॉर्डर में भी हो जाएगा, बीच के लिए खाली स्कैलप चाहिए, रो पिंक स्कैलप के लिए खोदना पड़ेगा हमारे। ये सारे रेडी में है। दिस इज 1550, दिस इज 1250। दिस वन आई लाइक साक्षी फॉर दिस स्लीव्स, व्हाट डू यू थिंक? Instead of taking this at all, ये ले लेंगे अपन neckline के लिए, neckline और छोटी बारीक डिटेल उसको करने के लिए, but sleeves पे we need a good nice thick one। दुपट्टे का scallop खाली नहीं मिल रहा because वो maroon है उसका, और maroon scallop अभी मुश्किल होगा, वरना अगर maroon नहीं चाहिए होता तो ये मस्त था। But all of the bases will need to be the same। या ये सब आप पानी गोल्ड के लिए बोल रहे हैं, तो ये दुपट्टे पे अपन मस्त लगा सकते हैं। उसको काटने वाटने के लिए ही कैन ऑल्सो डोज हर कैन फोल्ड अ लेस एंड कितना? What about my sleeves? इतने के बदले इतना करेंगे? अगर sleeves में मारना है ना हाँ, और मेरे को ये दुपट्टे पे मारना है, स्लीव्स और सामने वाले मैच करेंगे। हाँ, फ्रंट में जब पालन में इधर आ जाए मस्त दिखेगा ये वाला। और इसके साथ कौन सा मिक्स मैच करने बोल रहे? छोटी चीज में जानी पड़ेगी। हाँ, तो कौन सी जाएगी? अच्छी, बहुत अच्छी। तो ये स्लीव और दुपट्टा सब में, ये डायमीटर भी अच्छा है इसके, ज्यादा मोटा। तो ये भी सेम रेट है, क्या रेट है इसका? 1250। रियली मेकिंग इन बोगा फॉर एवरी मैच, बिकॉज अभी ये तो फाइनल हो गया, बट ये पाइपिंग के लिए हमको लेस चाहिए, और ये सब इट्स नॉट द सेम। नहीं, ये भी नहीं, ये तो मिरर है, या सिर्फ पर्ल और गोल्ड भी चलेगा। ये छुप जाएगा, ये ऐसा, बट वो चुभेगा मेरे को नेक पे, ये देखो ऐसा हो जाएगा साइड में। हाँ, अभी खाली वो स्कैलप लाल वाली नहीं मिल रही। अभी आप बराबर भाव लगाओ, 1500 उसकी और इसका 1200। ये तो एकदम एग्जैक्ट रेट बोल रहे हो। मैं अंधेरी से इधर तक आई हूँ लेस लेने, तो आप पैसा बैंगलोर वाली की लेस आपको जरदोजी मतलब क्या जीक जो देख रहे ना? हाँ, ये गोल्डन, ये जरदोजी पान है। तो ये इन लोग हाथ से ऐसा करते हैं, और ये कैसा है चिपकाया हुआ है माचिस से, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा। ये 7 दिन में एक पीस आता है, ये 3 दिन में। सीपी चौल में मानिक राज सावंत एंड सन्स, यहाँ से हम लोग ने 2 लेस ले ली है, 2800 का बिल हुआ है हमारा, बट ये फुल बंडल है, 9 मीटर की लेस है, अनलाइक मेरा 5 मीटर का 6000 वाला ले। और ये 2 लेस है, एक जरदोजी वाली बहुत अच्छी क्वालिटी की, एंड दिस लेस ऑल्सो विच ही हैड कस्टम मेड फॉर सम अदर क्लाइंट, बट ही गेव इट टू अस। इससे नजदीक में आप क्या दे सकते हैं? पिंक में, स्कैलप में, ये बहुत झटका है। रानी पिंक नहीं है, अच्छा पिंक नहीं होता। डायबल दुपट्टे में मस्त लूंगी। कितना रुपया मीटर है ये? 1650। पूरा 9 मीटर का, लाइक अ ब्राइड है। डार्क पिंक होगा ये डाय? फिर मैं बोल रही थी पेस्टल कलर बन जाता सर। अच्छा, डार्क कलर नहीं होगा? डार्क किया नहीं अभी तक, पेस्टल कलर करवा दे। डार्क बिल्कुल कलर नहीं छोड़ेगा इसके डायबल। इफ आई एम मेकिंग दीपिका पादुकोण आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वेडिंग वाला, तो ये लेना होता रेड में। ये है ना, सब रेडी पड़े फैमिली मेड। एग्जैक्ट थोड़े मिले, ये कितना रुपया मीटर है? ये देखो, ये अच्छा दिखेगा क्योंकि मेरे कपड़ा वैसा। You are saying this will be too dark and it will stand out, but then that's the only thing that's standing out in her outfit. See, na, this will be proper golden. Yeah. This is somewhere silver golden. Itna pata nahi chal raha isme gold gold. ये तो लग भी नहीं रहा ना इसके बाजू में। हाँ, बट दिखेगा तो सही ना, पूरा outfit अपना ऐसे ही तो। हाँ। This is pure proper golden. अच्छा, you are saying पानी gold. एटलीस्ट पिंक पानी गोल्ड के साथ मिलेगा, ये सिल्वर। सी, दिस इज पानी गोल्ड, ये तो बहुत ब्रॉड है, ये बहुत, इसका गोल्ड बहुत झटाक है।
पूरा होलसेल मार्केट छान लिया, बट स्कैलप्स में लेस मिलना इतना मुश्किल है. कलर में लाइक रोज गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर, इवन व्हाइट इज अवेलेबल, बट टू गेट अ हॉट पिंक स्कैलप्स इज वेरी डिफिकल्ट. सो नाउ माय लास्ट रिसोर्ट इज, देखिए एम्ब्रॉयडरी का कितना होता है. वैसे भी ये महंगा ही बनने वाला है, बट इट्स अ ब्राइडल आउटफिट, दो दुपट्टे है. सो आई एम गिविंग माई सेल्फ दैट. टिल नाउ कितना हो गया? 8,000. 8,000 हो गया कपड़ा एंड लेस. The next day. हाँ हाँ चलेगा, ठीक है, थैंक यू. सो अभी हम लंच कर रहे थे एंड हमारी प्रिय पायल ने हमारा पूरा बबल तोड़ दिया. लास्ट नाइट दिस कियारा अडवाणी हैज पोस्टेड हर आउटफिट. अभी जो नॉट पोस्टेड हर लास्ट नाइट नोवेयर वी वर, हम लोग ने साक्षी ने पूरा वीडियो डिसेक्ट करके हमने कितने स्क्रीनशॉट ज़ूम कर करके देखा, और अभी हमको पता चला है कि हर आउटफिट इज ओम्ब्रे, लाइक द स्कर्ट देयर इज अ ग्रेडियंट एंड इट कांट बी अप्रिशिएटेड इन द वीडियो, बट इट्स देयर इज डार्क पिंक एंड देन लाइट पिंक. तो डाय के उसको मैंने कॉल करके बोला है कि जो 5.5 मीटर मैंने स्कर्ट के लिए लिया है उसको काटो, सेपरेटली डाई करो ग्रेडियंट में एंड ऊपर का लाइट में रखो. सो नाउ ही इज ट्राइंग, बेचारे आई कॉल्ड हिम, लेट्स होप दैट ही कैन डू इट एंड ही कैन चेंज द डाई. एंड पायल सेज के लाइट भी डाई हुआ है तो उसको रीडाई करा सकते हैं. द ओनली थिंग इज हमको बना के फटाफट चाहिए. अरे इट टेक्स 3 आवर्स टू ठीक है. अजर ने एम्ब्रॉयडरी वाले ने 3 मीटर दुपट्टे का चेक करे, एक लेस हम पूरी सीपी टैंक चेक कर ली. कितना टाइम जाएगा आप पूछो ना एक बार डाई वाले को, कितना टाइम लेगा वो करने के लिए. मेरे यहाँ मैं पूछती हूँ मेरे टेलर से. तो सबसे टाइम तो जाएगा. आपने अभी तक भेजा नहीं है ना डाई के लिए कपड़ा? नहीं, कोई इंसिडेंटली कल आया ही नहीं हूँ तो मेरे पास ही है, तो मैं अभी आपको भेज देता हूँ. ठीक है चलेगा, मैं एक बार टेलर से बात करती हूँ और आप. हाँ ठीक है चलेगा, ओके. कपड़ा अभी डाई में ही नहीं गया है तो हम करवा सकते हैं, खाली द ओनली थिंग इज द शेडिंग वाला डाई विल टेक टाइम एंड मेरा जो टेलर है वो गाँव जा रहा है. कोई नहीं, अलग ही प्रॉब्लम है इन लोग. अजहर सुनो, कपड़ा डाई हुआ नहीं है, उसने दिया नहीं क्योंकि मेरे को अभी शेडिंग वाला डाई चाहिए, उसको टाइम लगेगा. तो तुम्हारा बंदा जल्दी करके दे सकता है तो मैं कपड़ा मंगा लूं. तुरंत में तुरंत करने में, लेकिन कलर नहीं बिगड़ना चाहिए क्योंकि कलर का ही मेन है. ठीक है फिर मैं मंगा लेती हूँ कपड़ा, तुम भेज दो डाई के लिए, बट मुझे डाई कलर सिलेक्ट करना है धागे का. आप तो आना पड़ेगा. हाँ मैं आऊंगी. हम स्टार बाजार के सामने ये प्लेन में जा रहे हैं, बहुत अंदर अंदर एकदम पतली गली के अंदर घुस रहे हैं हम. People are fighting over डाई कराने कपड़ा, इसलिए मैं तेरे को बोली साथ में चल. आउटफिट के लिए कुछ भी. अच्छा ये डाई हो रहे कपड़े, आधी डाई शादी का जोड़ा है, ये अच्छा है ऊपर के लिए. 3 शेड्स होंगे ना, ये सबसे लास्ट वाला, मिडिल वाला और फर्स्ट वाला. तो ये 18 जो है वो अपने को ब्लाउज और स्कर्ट के ऊपर, फिर 19 नीचे और फिर 21 या 22. और जॉर्जेट जो लिए है और ब्लाउज वगैरह वो सब 18. ये दुपट्टे के बॉर्डर पे और बेस पे ये वाली लेस और स्लीव्स पे इधर, और ये जो गला है ना ये वाली गले पे, बट ये बहुत बचेगी, अपन दूसरे कपड़े में यूज करेंगे. अभी एम्ब्रॉयडरी वाला कितना बोल रहा है, उसको बोलो 3,000 में कर देने. बना तो नहीं पहने की मैंने उसमें सिलेक्ट कर रखी है. 18 has become too dark now in this new book and 22 has become even darker. जितना दिखता है उससे ज्यादा डार्क होता है ना. ये कपड़ा दिखाओगे उसके हिसाब से सही नहीं है, तो मैं ऐसा है कि ये जितना ब्राइटनेस है इतना लेट में आ सकता है बराबर. इसमें इसमें विस्कोस में इतना उठा क्योंकि इसमें और इसमें
पिक्चर में और उसमें ज्यादा फर्क रहता है बॉर्डर आपको देखो ये ऊपर का कलर रहेगा ये वाला नीचे का कलर इसी में लाइट डार्क बीच में अलग कलर की जरूरत है नीचे का मेरा बॉर्डर डार्क होना चाहिए फिर उसके बाद आप ऊपर की ओर उसको लाइट करते हो टू तक लेके आओ ये 7 मीटर कपड़ा है इसमें से ब्लाउज के लिए जितना चाहिए काटो ब्लाउज में एक ही कलर होगा इसमें दो दुपट्टे बन जाएंगे 3.5 ढाई मीटर का तो दुपट्टा आता है तुम क्या हर चीज में हाँ बोलते हो फिर आधार मैंने क्या बोला था ये दुपट्टा में 275 आपको कंपलसरी बना के देगा 275 आपके दुपट्टे कल ही मैंने बोला था आपको कल ही बोला था मैंने ग्रीन वाले मैंने लहंगा ब्लॉग बनाया उसमें भी 275 दिस इज दैट ऊपर वाला है कि ऊपर वाला ऐसा सेम वाला ये वाले दुपट्टे के लिए दो दुपट्टे उसमें लेस कर दो परसों में जा रहा हूँ कल बना के देना है घड़ी गाँव जाने का फिर पैसा मेरे से चाहिए तुम इधर रहोगे थोड़ा कस्टमर आएंगे थोड़ा सिलाओगे तो पैसा आएगा अभी लास्ट बताया था मैंने लाया था दुपट्टे को बोले 3000 में से भारी दुपट्टा बना तो लेके आया मौका आपको यस अभी आपका मौका है टू शाइन 3 मीटर के दुपट्टे देखो अगर सेम बहुत महंगा पड़ रहा है तो मेरे को सिर्फ इतना दोगे ना तो भी चलेगा क्योंकि 8000 तो मैं नहीं दे सकती मेरी शादी नहीं है बट आपकी ये जो बीड आप यूज करोगे वो मेरे नीचे के उससे डाई हो पाएगी ये बीड कलर नहीं अगर कलर मिलेगा डाई करवा लेते हैं अच्छा बीड भी डाई होती है सो आई विल गिव नाउ 7,000-3,000 के लिए व्हाट आई वोंट गेट द सेम मैच पूरा ही कर दो एग्जैक्ट ये लाइट आएगा सूखने के बाद आपने ये अभी दिख रहा है गीला ठीक है सर तुम्हारे हिसाब से थोड़ा ओपिनियन देखा भी नहीं सही है व्हाट डू यू थिंक शुड इट गो स्लाइटली डार्क थोड़ा आप कर सकते हो क्योंकि बहुत पेल नहीं हो जाएगा बट हर्स इज यार बट हर स्किन इज ऑल्सो वेरी फेयर एज कम्पेयर टू माई आई थिंक इट्स फाइन अस्तर भी आएगा हाँ अस्तर डाई करने नहीं दिया अपन अस्तर सेम कलर मिलेगा लाइट पिंक अंदर लाइट पिंक नीचे डार्क शेड हो तो दिखने वाला है डार्क नहीं करूँ ना इसको सही है ना एकदम सही है इससे ज्यादा स्क्रैच से मैंने कोई आउटफिट नहीं बनाया आज तक आई लिटरली स्क्रैच हम लोग लिटरली कलर मैच करने डाई कराने देखने आ गए इधर और डाई होते हुए देख रहे पहली बार सो इंटरेस्टिंग द प्रोसेस बिकॉज वो ग्रेडियंट मुझे परफेक्ट चाहिए मुझे कलर परफेक्ट चाहिए डाई होने के बाद दे पुट इट थ्रू द वॉशिंग मशीन लाइट ही कुड हैव टेकन दिस ऑन द स्लीव ऑल्सो वी नीड नॉट हैव बॉट ये यूज नहीं रहेगा ना ये पोर्शन हाथ पे तो लेस लेके आई हूँ ना मैं बैक में दे देगा ग्रेडियंट करने के लिए लोग बांध रहे हैं बीच में तो बीच का पोर्शन अलग और फिर नीचे अलग इतना करो मिडिल कलर नहीं, थोड़ा और नीचे डार्क कलर तो इतना आएगा हाँ डार्क कलर इतना यस ऐसे लाइट डार्क होता है यस यस परफेक्ट चाहिए अपने को ये हाँ, चाहिए हाँ। गीला दिखते रहे ऐसे ऐसे नहीं नहीं क्या बोलते हैं सर क्या अस्तर लगा के बदलेगा अस्तर तो मैं डालूंगा लाइट ही कलर ये तो लाइट अस्तर और फिर ये थोड़ा लाइट दिख रहा है अभी देखो ना ये कलर कर दो रीडाइंग सो मेनी टाइम्स ये क्या मटेरियल विस्कोस जॉर्जेट में डिफिकल्ट हो रहा है तो ये गीला ऐसा दिख रहा है सूखा हुआ ऐसा दिख रहा है बट ठीक है चलेगा दिस इज द फाइनल यू गाइस द कलर्स कम ब्यूटीफुल
The next day. Kurt has come for trial. और वो ब्लाउज भी आ गया. Oh, blouse looks good. तुम क्या उठे छूटे गाँव जाने का सोचते हो भाई? हर चार पाँच महीने में हम चले जाने के गाँव. एक दिन में सिलायो तुमने, मतलब दाँत देनी पड़ेगी सच्ची में. उसको खुद को खाइए गाँव जाने की, वरना मेरे सब्सक्राइबर्स बोलते मैं तुम पे प्रेशर डालती हूँ एक दिन में देने का. Just Kurt looks too pretty, है ना? ये पार्ट ना इसका चढ़ता ही नहीं है कभी भी. अजहर का उसने गला नहीं मेरे ख्याल से बराबर काटा, इक्वल नहीं लग रहा मेरे को. गला हमेशा गड़बड़ी करता है. ये बेल्ट ऐसे क्यों किया है इसने? लेस लगवाऊंगी मैं बेल्ट. स्कर्ट मस्त लग रही है ना, ग्रेडियंट मस्त आया डाय का. पीछे से आई नीड टू गिव हिम भारी लटकन, कपड़े का ही लटकन लगाया उसने. वो तो लटकन बाद में चूज कर. और ये भी नाड़ी भी अच्छा नहीं है, मतलब बराबर लग रहा है नेक. सी दिस, इट्स कमिंग डाउन एंड आउट एंड दिस वन डाउन. इतना तो आना चाहिए था उसको, इक्वल नहीं काटा. अब वो कुछ नहीं कर सकता. गले का ही तो शो है क्योंकि वो पूरा नेकलेस आना चाहिए ना इधर. शादी के लिए रेडी हो जाइए. मेरी शादी हो जानी है ना तो तुम तो बोर हो जाओगी लाइफ में, तुम्हारी एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगी. ये लूज है बट ये कटिंग बराबर आई है क्या तुम्हारे साथ? बट उसका गला कैसा था तुमको मैंने बोली थी ना, एकदम ऐसा पॉइंटी देके वो निकालने के लिए. थोड़ा और पॉइंट कर सकते हो इसको, खाली डिप दो ये कोकी ना. उतना लेस आ रहा है उतना और लेस की आ रही. लेस तो 9 मीटर दियो तुमको. जितना लेस आ रहा है उतना ही और डिप कर. हाँ, एक दुपट्टे में तुमको लेस लगानी है मालूम है ना? कौन सी वाली? ये नीचे वाली लेस होना भी चाहिए ना. 9 मीटर लेस था, 5 मीटर. तो 2.5 मीटर ले लो इसके लिए खाली. इतना ये स्क्वायर था. कहाँ से रखूँगा मैं? आप लाए कहाँ से? यहाँ थोड़ी मिलेगा वो. 2.5 मीटर लेस बची है ना? हाँ, तो 2.5 मीटर खाली. एक दुपट्टा इतना मेरे को ट्रायंगल इधर ड्रेप करने के लिए बना. बड़े साइड में लगा. कौन से बड़े साइड? हाँ, पीछे की साइड नहीं रहेगा, चलेगा. सो नॉट टू मेक दिस. नो, दिस इज परफेक्ट बिकॉज़ नाउ इफ सी इफ यू गो टू ओपन अप ऑल ऑफ दिस नाउ इट विल लुक वेरी हां. यहां पे पकड़ो, यहां से देखो ये साइड भाग रहा है. हां, तो दूसरे दुपट्टे का बट तुम क्या करोगे? क्योंकि मेरे को वो लेस चाहिए सर. इस पे ये वो मैचिंग आना चाहिए. मैं इनमें लेस मंगवा सकती हूँ उनसे. बट आप चले जाओगे फिर आप कारीगर को दोगे? 5 मिनट दुपट्टा पट्टे का काम में कोई दिक्कत नहीं. ऑल्टरेशन वाला भी अच्छे से लगा के देता है. और ये क्या है? ये क्या कपड़ा नहीं चाहिए? मैंने बोला ना पूरा घेरा नाप लेना. अगर आपको 5 मीटर से कम होगा तो मुझे बोलना. बट अभी इस पे भी तुम लेस लगाओ. लेस लगाना पड़ेगा ना, छुपाने के लिए. मैं ट्राई भी लेके आया, बराबर बैठ रही नहीं है. लेकिन इतना ही चौड़ा है इसलिए लेस. बट अभी ये लेस चाहिए तुमको इसके लिए. बहुत चौड़ा है, ये बैठेगा नहीं इतना चौड़ा. बैक इज गुड. बैक शेप इज गुड. टाइट करो लटकन ये लेस और दुपट्टे के लिए. तो एक और बंडल मंगा रही हूँ इसका. इसको नहीं यूज कर सकते इस पे 2-3 लेयर मार के? ये 9 मीटर बचा है, इसको लगा देते हैं. फॉर द दुपट्टा विद फ्रंट दुपट्टा एंड व्हेन आई वेयर इट एज अ वेडिंग गेस्ट आई विल ओनली वेयर द लाइटर दुपट्टा. अच्छा. Overall, this looks so good, you guys. The color, it's na sundar hai. It's exactly how the color combination of the Kiara Advani bridal outfit was. And color ka mujhe itna starting se video ke, I was just talking about the color of the lehenga. Oof, I've never done an outfit like this. So pastel, so dreamy, so. Oof, khali abhi thodi fitting aur thodi detailing ho jayegi, jaisa humne bahar discuss kiya. माशाल्लाह, इट्स गोना लुक सो गुड. आई एम सो एक्साइटेड. द नेक्स्ट डे. अभी मेरा डाई ओके फैब्रिक आया है तो दुपट्टे के लिए कम पड़ रहा है. लहंगे में ही सब लिस्ट चली गई. ओके नो इशू. अच्छा, मुझे वो फोटो भेज दीजिए, मैं बनवा देता हूं. हाँ जी, थैंक यू सो मच. इनसे हमने लेस ली थी तो लेस कम पड़ गई. कल अजहर आके बोला कि दुपट्टे के लिए लेस नहीं है, तो उस लेस पे लग गई और नीचे पूरे घेरे पे अजहर ने लगाया. तो 5 and 2, ही हैज ओनली 2.5 मीटर्स लेफ्ट. और एक बंडल में 9 मीटर लेस आती है तो मुझे एक और बंडल लग गया. उन्होंने बोला व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो, मैं सेम वाली भिजवा देता हूँ. आज संडे है, संडे को यूजुअली लोग नहीं आंसर करते हैं. The next day. We're going to collect the final outfit and also see के अभी embroidery दुपट्टे पे जो चल रहा है वो कहाँ कितना दूर आ चुका है. They have been sending me WhatsApp images of the work that is done and just like approving कि कौन सा sequence, कौन सा bead, हर एक चीज बहुत ज्यादा detail में use हो रही है और देखी जा रही है. पर अभी Fudge is also wanting to go with us. Fudge, you also want to make outfit from scratch? ये जो बना हुआ तो क्यों डाल रहे हैं हम?
डाल दे रहे, अच्छा दिखना चाहिए ना, शादी के लगे भरा वो दुपट्टा। उसने उसकी शादी में नहीं डाली थी ना। See how they work, dude, it's so fascinating. से चालू है ये काम, चार दिन से चार लोग बैठे हैं, बारी बारी से बैठते हैं। This is something that we didn't see on a dupatta, but this is Azhar's skills that he is adding designing to my dupatta. ये सामने वाला dupatta है ना, इसकी लेस बची दे दो, शॉर्ट कुर्ती बना देंगे उसको। Fine, no, this is sheer, simple. When I want to wear it as a guest. Yeah, that dupatta is gonna be so fab, na. उसका अलग ले, उसकी अलग साड़ी बन सकती है ब्रो। Full ready हो जाएगा अंदर चलेगा ना? अच्छा ये वाली क्या बेल्ट लगाए हो? हाँ ठीक है। Yeah, very pretty. This is not matching ना वाइब। ये भी अच्छा लगा, अच्छा लेस लगा हुआ। This is pretty. कितने का है ये? 185. See the pink one is also very pretty, but we don't have any pink. I like this. Even I like this. चोले का सटल रख सकते हो, अपना दुपट्टे के थ्रू ज्यादा दिखना नहीं चाहिए ना। ठीक है, कितने का ये? 150. यूजुअली शादी के जोड़े में तो ये भारी भारी वाले लेते हैं, बट उसका तो दिख भी नहीं रहा है। हाँ वो कमर वाला, बिकॉज अब ब्लाउज इज नॉट वेरी हैवी, सो आई डोंट वांट टू ओवरडू द लटकन। Every single detail matters so much. He seeing that kapda at the back was so disappointing. Sakshi was like, "Uska dikh nahi raha piche ka." But hum kuch to lagayenge na, sundar dikhane ke liye. Like what is this? Azhar kabhi. Haan, Azhar ko photo bhejo. What to do? Phir tu kya dega mere ko? आप क्या लगे, आपके वाले आने में मेरे बड़ी ना, तुमको देना चाहिए ना। मैंने मैं आपको 100 रुपए डेली तो सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा मेरे लिए। He keeps counting my subscribers, you know he waits so. Finally managed to make Kiara Advani's full blown bridal outfit from scratch in rupees 25,000 approximately is what I spent all inclusive. This dupatta is my center and glory of this outfit because uske chehre ka jo ronak tha na, that was through this dupatta and I had to match this with the whole beautiful zardozi work that they've done. Ye haath ka kaam karane ye dupatte ka I've spent 7,000 rupees and the entire fabric material was 6,800. लेस जो मैंने खरीदी मुझे दो 9 मीटर के बंडल लगे बिकॉज देर आर टू दुपट्टा, द दुपट्टा दैट आई हैव ड्रेप्ड ओवर हियर और फिर मैंने लेस बेल्ट पे भी लगाई है और स्कर्ट पे नीचे भी लगाई है। तो ये वाला लेस वॉज 1250 फॉर 9 मीटर्स, दो बंडल लगे एंड देन वन डिटेल लेस ओवर हियर आई टुक अनदर 9 मीटर बिकॉज वहां पे सिर्फ बंडल के हिसाब से मिलता है। सो दिस वॉज मोर एक्सपेंसिव, दिस वॉज 1800 पर मीटर। ऑफकोर्स यू ऑल नो कि ये कपड़े को डाई कराने का मैंने ऑन द स्पॉट इतना अच्छा ओम्ब्रे डाई कराया। यूजुअली डाई इज लाइक 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से इन बॉम्बे, बट ओम्ब्रे डाई इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। ओवरऑल आई गिव हिम 1050 फॉर द एंटायर आउटफिट का डाइंग, व्हिच इज 150 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। 6 मीटर जॉर्जेट बिकॉज दो दुपट्टे, इफ यू वांट टू जस्ट डू वन दुपट्टा एज अ वेडिंग गेस्ट दैट्स कंप्लीटली फाइन, आई थिंक दैट्स परफेक्ट, यू कैन जस्ट डू दिस दुपट्टा एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑन द हैंडवर्क फॉर योर अदर दुपट्टा, इवन दो दैट्स द मोस्ट गॉर्जियस वन, यू कैन डेफिनेटली जस्ट डू अ स्कैलप्स लेस, तो आपका 1200 रुपए की लेस में ही वो सेम इफेक्ट आएगा, खाली कलर नहीं मिलेगा। या आई थिंक आई प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग। फॉर स्टिचिंग आई हैव गिवन रफली 5,000 to 6,000, बट इट कैन बी एनीथिंग नॉर्थ ऑफ दैट आल्सो। मैं अजहर के साथ लिटरली हर महीने काम करती हूँ, सो दैट्स हाउ मच आई स्पेंट। ओवरऑल इट्स 23,500 दैट आई हैव स्पेंट टू मेक कियारा अडवाणीज ब्राइडल वेडिंग आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। आई नो दिस इज स्टीप as compared to any other outfit from scratch I've done, but iski ronak bhi alag hai aur ye shaadi ka gown banane ki koshish kar rahi thi main, and I think after this I have a confidence that I can definitely make my own wedding outfit from scratch also, because I feel really really good about how this entire thing turned out. The fit, the back also is so so pretty. I love the back of the lehenga, the back portion which he had to cut, he's cut really well, it's not very deep
बट इट्स डन अप रियली रियली वेल. अभी इन ब्राइडल आउटफिट्स ऑफकोर्स पूरा ही इस पे एम्ब्रॉयडरी होता है ऑन द ब्लाउज एंड ऑन द स्कर्ट, बट आई थिंक दिस लहंगा इज जस्ट सो लाइट वेट ऑल्सो. इसको मैं डेफिनेटली डेफिनेटली किसी और की शादी में पहन सकती हूँ बिकॉज उसका कलर भी बहुत ज्यादा सुंदर है. द कलर एंड दिस दुपट्टा द अदर वन इज डेफिनेटली माई फेवरेट फेवरेट पोर्शन ऑफ दिस आउटफिट, नो डाउट. आई थिंक दिस इज द बेस्ट आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच जो मेरे चैनल पे बिल्कुल हुआ होगा. आई थिंक दिस इज माई 10th आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, सो दैट्स सेइंग समथिंग. एक्सपीरियंस हो गया है अभी करने का. ह्यूज शाउट आउट टू अनन्या ऑफिशियल हू केम थ्रू विद सच ब्यूटीफुल एंड ऑन पॉइंट ज्वेलरी. दिस इज सो गॉर्जियस. एग्जैक्टली जो उसने बनाया था वैसी मुझे एक ऐसा अच्छा एमरल्ड ग्रीन सेट चाहिए था. दे सेंट मी अनदर सेट ऑल्सो जो इसके साथ मैचिंग था, बट आई जस्ट वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज आई डिडंट वांट टू ओवर डू इट. मेरी शादी नहीं है, सो वी जस्ट वॉन्ट टू कीप दैट इन माइंड. बट आई एम गोइंग टू लिंक एवरी सिंगल डिटेल फ्रॉम माई ज्वेलरी टू माई हेयर स्टाइलिस्ट, ऑल ऑफ माई shopkeepers, my vendors, हर एक चीज का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. डेफिनेटली डेफिनेटली चेक देम आउट इफ यू आर गेटिंग मैरिड एनी टाइम सून. आपकी फैमिली में किसकी शादी है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप. दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वीडियोस एंड वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस अभी तक का ये साल का मेरे चैनल पे. सो प्लीज शेयर इट विद एवरीवन इन योर खानदान सो दैट एवरीबॉडी कैन वॉच दिस एंड शेयर द लव. इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप. फॉर दिस वीडियो सब्सक्राइब shout goes to Utkarsh Bhati. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of the next video, Sarasport shout out, you know what to do. Hit the subscribe button, bell icon right next to it. And also leave a comment down below saying hashtag SaraSquad. And I'll see you in my next video, SaraSquad shout out. I'll see you guys very soon in another video. Bye guys, love you. Mwah.